देखिए इस वीडियो में कैसे ये बंदा डॉक्टर की बात सुनकर करोड़पति से खाकपति बन गया। देखिए ये पैसे बांट रहे लाओ पैसे गरीबों में दान कर रहा है। क्या सारी दौलत गरीबों में बांट देंगे? हाँ सब कुछ बांट दूंगा, गाड़ियाँ मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, तुम जल्दी चलो। मालिक आपकी बहुत याद आएगी। वक्त जाया मत करो, जल्दी से मुझे मेरे पेट्रोल पंप पे ले चलो। मालिक पेट्रोल पंप पे आ गया। सब लोग इधर आओ और मेरी बात सुनो। अल्लाह खैर करे, मालिक आज पता नहीं कौन सा जुल्म ढाएगा। जी मालिक। जी मालिक। अजर उस्मान, ये पेट्रोल पंप मैं तुम दोनों के नाम पे करता हूँ, आज के बाद तुम दोनों क्या शकी है भाई। अरे मालिक क्यों मजाक करते हैं? दरअसल ये जालिम था। मजाक तो मेरे साथ किया है किस्मत ने। क्या ये मेरी उम्र थी? आखिर मालिक हुआ क्या है? किस्मत ने बहुत ही घिनौना मजाक किया है मेरे साथ। मैं दौलत के नशे में अंधा होकर हमेशा तुम जैसे लोगों पर जुल्म करता रहा, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है, मेरी तो किस्मत ही पलट गई है। इसलिए अब मैंने सोचा है अपना सब कुछ तुम जैसे गरीबों में बांट दूंगा। मालिक कुछ तो बताएं, आखिर हुआ क्या है? मैं बताता हूँ क्या हुआ है मालिक को। ओए होए 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 होए, क्या हुआ डॉक्टर साहब? रिपोर्टें ठीक तो हैं? तुम्हारी जिंदगी का बल्ब फ्यूज होने वाला है। क्या मतलब? बल्ब फ्यूज होने वाला है। तुम्हें आखिरी स्टेज का कैंसर है। मुझे कैंसर है? ये सब कैसे हो गया डॉक्टर साहब? कैंसर कैसे हो सकता है मुझे? दूसरे का रिपोर्ट पढ़ के बता दिया। मालिक के पास बहुत पैसा है, पैसे को पानी की तरह बहा देंगे। यूरोप अमेरिका जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे, बस मेरे मालिक को बचा लो। इस कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा मालिक मरने वाला है। डॉक्टर साहब अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ काम नहीं आने वाला, अपना रुपया दौलत सब गरीबों में बांट दो, अच्छे काम करो। गरीबों से चूसा हुआ पैसा मालिक गरीबों में वापस कैसे बांट देंगे? डॉक्टर साहब कितने दिन बचे हैं मेरे पास? कितने दिन नहीं, घंटे बचे हैं तुम्हारे पास? घंटे 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मालिक मरना तो पड़ेगा। जितने अच्छे काम कर सकते हो करो। ठीक है डॉक्टर साहब। ये दूसरी रिपोर्ट किसकी है? ये बात है, मालिक के पास अब थोड़ा ही टाइम है। मालिक बहुत अफसोस हुआ। अब ना ऊंट पहाड़ के नीचे कमीना बहुत जुल्म करता था ना हम पे। ऊपर वाले ने सुन ली हमारी, पेट्रोल पंप हथिया लेते हैं। मैंने ये पूरा पेट्रोल पंप तुम दोनों के नाम पे कर दिया है, ये लो। भला हो साहब आपका, भला हो। मालिक ये पेट्रोल पंप तो आपने उनके नाम कर दिया, अगर मुझे भी कुछ। तुम ये गाड़ी रख लो, मैं तो वैसा भी टपकने वाला हूँ, मेरे किस काम की, ये लो। मालिक इस गाड़ी पे तो कब से नजर थी मेरी, एक मिनट। अब ये ड्राइवर का एटीट्यूड देखना मालिक, दौलत मिलने के बाद कैसे घमंड में आ जाता। अगर इस पे भी लगे हाथ साइन कर देते तो। अरे मालिक क्या सोच रहे हैं आप, तो वैसे भी थोड़ी देर बाद नर्क जाने वाले हैं, कर दो ना साइन। ठीक है यार, ठीक है यार, ये लो मेरा घर और गाड़ी दोनों तुम्हारे हुए। और हाँ मालिक, ये जो आपके पास बाकी के कुछ घंटे बचते हैं ना, इसमें गलती से भी मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। है एटीट्यूड, थोड़ा दौलत मिलने के बाद ये भी बदल गए। 24 घंटे तो बचे थे, तो 24 घंटे उसको घर में आराम करने देना चाहिए था। सोने की अंगूठी, लेकिन ये यही सेल्फी दुनिया है। ये मेरी घड़ी, ठीक है, और ये मेरा मोबाइल, खुश। कपड़े भी। ऐसा कौन करता है वाला भाई? ले जा भाई, कपड़े भी ले जा। दो दिन बाद भाई साहब भीख मांग रहे हैं। दो दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, फिर किसी ने बताया पूल के ऊपर भीख मांग रहा है। अरे डॉक्टर तूने तो कहा था मैं 24 घंटे में मर जाऊंगा, आज दो दिन हो गए, मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? अरे भाई तुम्हें कुछ होना भी नहीं, तुम्हें तो नॉर्मल सा बुखार था, वो कैंसर की रिपोर्ट किसी और की थी, गलती से तुम्हारी रिपोर्ट के साथ चेंज होगी। डॉक्टर तूने मुझे बर्बाद कर दिया, सॉरी भाई साहब। तो इसके वीडियो में हमेशा कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ रहता है। इस वीडियो का मैसेज यही था कि डॉक्टर की बातों को सुनकर अपनी आंखों को बंद मत कर लेना है और भावना में बह नहीं जाना है कि सच में हम बीमार है। डॉक्टर है वो जजमेंट लगाता है कि भाई तुम मरने वाले हो, मर जाओगे, लेकिन हमारे मौत और जिंदगी का फैसला करने वाला डॉक्टर नहीं, बल्कि कोई और है जो इस दुनिया को चला रहा है, जो इस धरती को चला रहा है, जो रोशनी दे रहा है धरती पर, जो रोशनी निकाल रहा है, वो हमारे ज़िंदगी का मालिक है, डॉक्टर नहीं। वो एक जजमेंट लगा सकता है, वो एक अनुभव लगा सकता है, लेकिन उनके बात पर पूरा का पूरा ट्रस्ट मत कर लेना। यही इस वीडियो का मैसेज था।